तो लीजिए दोस्तों, इस सेट का हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था। आई थिंक इस सेट को आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं अनाउंसमेंट किए हुए मनोज गुप्ता, सॉरी मनीष गुप्ता जी ने। तो ये अब जाकर आया है और साथ में इनके कलेक्टर एडिशन भी आए हैं। तो मैंने कलेक्टर एडिशन ना लेकर मैंने ये नॉर्मल इंडिविजुअल पार्ट लिए हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट है ये जिगर का टुकड़ा, जिसमें 62 पेजेस हैं। तो यहाँ पहले बात करते हैं क्वालिटी की। तो जो ये जो कवर हैं बिल्कुल प्लेन कवर है, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई लेमिनेशन नहीं की गई है। बिल्कुल प्लेन कवर है, मैट फिनिश के अंदर है, पर इसके ऊपर लेमिनेशन नहीं किया गया है। और जो अंदर की साइड है यहाँ पर, यार यहाँ पर मुझे लेमिनेशन लग रहा है, इस पेज के ऊपर लेमिनेशन है, लेकिन यहाँ लेमिनेशन नहीं है। अब ये कुछ क्वालिटी अलग है ये तो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अच्छी हैं। और इसके जो पेपर हैं वो भी अच्छे पेपर हैं, आर्ट पेपर बताए थे मनीष गुप्ता जी ने। पेपर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसमें दोबारा से सुधार करने के बाद ही इन्हें फिर से रिलीज किया गया है मनीष गुप्ता जी के द्वारा। तो इसमें 64 पेजेस की कॉमिक्स है, काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर ये छल यंत्र ऐसे कुछ दो ये उसने बताए गए थे। अब ये नहीं पता यार ये कौन सी किसकी कॉमिक्स कौन से में है। चलो जो भी हो, ये देखिए यहाँ पर ऐड भी दे दिए हैं छल के, ये रहा एक ऐड। अच्छा ये तो जिगर का टुकड़ा है, ये छल, और ये छल का यहाँ भी ऐड दिया गया है। तो ये तो देखना पड़ेगा, आप देख लेना भी कौन से आपका ये है। इसके बाद ये है काल कुंडली, जिसमें ये पेपर भी इसका बिल्कुल प्लेन पेपर है, जो कवर है प्लेन है। अंदर की तरफ आपको इसमें लेमिनेशन मिल जाएगा और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें किसी तरह की हम शिकायत नहीं करते हैं मनीष गुप्ता जी से। थोड़ा सा बस मनीष गुप्ता जी को अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। ये है मृत्यु योग, इसका नेक्स्ट पार्ट है मृत्यु योग। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है यार, क्योंकि ना इसको अनाउंसमेंट किए हुए कम से कम 1.5 साल हो गए थे, और उसके बाद अब ये मेरे हाथ में आई है ये भोकाल वाला। और इसके बाद ये है नेक्स्ट कॉमिक्स मृत्यु योग। अब इनको देखेंगे, क्योंकि नागराज ध्रुव इनको बार बार देख कर यार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। मनीष गुप्ता जी को अनदर जो करेक्टर हैं उनकी ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमिक्स हैं अदर करेक्टर्स की भी, तो उनकी भी और थोड़ा सा ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये शक्ति कॉमिक्स योगिनी का एड, जयकारा परमाणु का, इसके बाद स्टैम्बर, और ये है जाल। लास्ट में बिजनेसमैन, जो कि है फाइटर टोर्स की एक कॉमिक्स। इसके बाद यह है त्रिकाल, और ये एक विशेष अंक है, इसमें भी 64 पेजेस हैं। तो ये देखिए अंदर से त्रिकाल, सफाई काफी ज्यादा की गई है इन कॉमिक्सों के अंदर, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा बनाया गया है। तो क्वालिटी के बारे में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। बाकी यार शिकायत करने वाले तो शिकायत करेंगे कि इसमें ये कमी कर दी वो कमी कर दी, यार ये तो अब हर किसी का अपना अलग अलग सोचने का तरीका नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है, अभी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। ये है कैप्टन डूम की एक ऐड, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये। आबरा का डाबरा और अपुन पागल है डोगा। इसके अलावा ये बहरूपा का ऐड है, और ये है ऐलान जंग, लास्ट में दी गई है अंत। यहाँ अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ ये देखिए मूल्य 130 काट के यहाँ 90 रुपये मूल्य दिया गया है, और 90 रुपये में आपको 64 पेज की कॉमिक्स मिल रही है, वो भी बिग साइज में, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद ये है भोकाल का काल, तो ये देख लीजिए आप अंदर से। अब ये यहाँ पर परमाणु नहीं आएगा कैड, चिंगारी। तो यार कॉमिक्स तो बहुत हैं भी रीप्रिंट के लिए, काफ़ी कॉमिक्स हैं यार। भोकाल बना कंकाल, और ये देखिए कोहराम। अब इसके बाद ये है कालचंत्री, भोकाल की कॉमिक्स है, ये भी 32 पेजेस की कॉमिक्स ही है। इसमें आपको ऐड दिखा देते हैं कौन कौन से ऐड हैं। मौत ना मारे कोई, मौत ना मारे कोई यार अजीब सा नाम है वो, इसमें कह रहा हूँ यार कॉमिक्स बहुत सारी हैं रिप्रिंट के लिए, क्यों फेंका कूड़े पर। जिगर का टुकड़ा, ये देखिए जिगर का टुकड़ा, और ये अंतिम युद्ध, ये अंतिम युद्ध कॉमिक्स भी काफ़ी अच्छी है। मेरे पास थी ये कॉमिक्स, इसमें शक्ति भी साथ में होती है, और ये परमाणु जो है ये एक अलग ही युग में चला जाता है, तो काफ़ी अच्छी है ये भी। और ये है छल,
64 पेजेस में है छल। प्राइस इनका प्राइस देखिए यहाँ पर 75 था, तो यहाँ मूल्य 55 रुपये दिया गया है। तो ये देखिए आप, इसमें ऐड देख दिखा देते हैं आपको, जेलर, प्रतिशोध, तिरंगा और ये त्रिकाल, त्रिकाल कालू 420, डोगा 420, तो एक कॉमिक्स थी लास्ट में लाने जंग, और इसके बाद लास्ट कॉमिक्स हमारी आठवीं कॉमिक्स छदम। तो ये कॉमिक्स है काफ़ी अच्छी आई हैं, सेफ्टी है पूरी, कोई भी कॉमिक्स ख़राब नहीं हुई है। तो इसमें ऐड देख लीजिए आप, भोकाल का काल, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं से आपको मिलती है तो आप ले सकते हो और अपने कलेक्शन को पूरा कर सकते हो। तो अभी आपको फिर दिखा देते हैं छदम, छल, कालजयंत्री, भोकाल का काल, त्रिकाल, मृत्यु योग, काल कुंडली और ये है जिगर का टुकड़ा। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे ये जो कॉमिक्स थी हॉरर शो, हॉरर शो ये था मनोज गुप्ता जी का, तो इसमें साइड अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये देखिए नीचे से बराबर, और उसके बाद ये मनीष गुप्ता जी वाला साइज थोड़ा बड़ा है इसका। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए, जैसे ये जिगर का टुकड़ा है ये 62 पेज है, हॉरर शो भी 62 पेज है। और यहाँ प्राइस की बात करें तो फ्रेंड 290 रुपये, देखिए इतना मतलब कि प्राइस का आपको डिफरेंस मिलेगा, सीधा 100 रुपीज का डिफरेंस। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ये कॉमिक्स आ गई हैं कम से कम 1.5 साल का वेट करने के बाद, अभी रिप्रिंट हुई थी और अभी हमारे पास आई हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।